यहां एक जमाना में कांग्रेस की सरकार थी, हिंसा उग्रवाद। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद 9 साल में विद्रोह की घटना में 67% की कमी आई, बलों के मृत्यु की घटना में 60% की कमी आई और नागरिकों के मृत्यु में 83% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आई है। आज आसाम शांति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और पहले यहां अव्यवस्थाएं थी, वो अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में परिवर्तित करने का काम पहले सर्वानंद सोनवाल और अब हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रू समझौता किया, बोडो समझौता किया, कार्बी समझौता किया, असम मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं का समझौता किया, अब सपा में 70% की कमी की और विकास के बजट के अंदर 300% बढ़ोतरी करने का काम ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी नक्शे कदम पर हेमंत विश्व शर्मा जी असम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे ट्राइबल कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे कानून और व्यवस्था। आज ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन गौहाटी के अंदर किया गया है, जो असम के युवाओं को और नौकरियां प्रदान करने का काम करने वाला है। माताओं भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, कांग्रेस सरकार पहले जब यहां थी तब ये कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज असम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज असम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है।
लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने, नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आएंगे। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान किया, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, और दो दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो, ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार के काम असम के अंदर किए हैं। अभी अभी सरकार जब बनी तब हमने वादा किया था असम की भाषा, असम की संस्कृति, उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। लचित बरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत करकर लचित बरफुकन को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर का नामांकन भी असम के अहोम राज्य के शाही परिवार के जहां पर अंतिम संस्कार हुए वो जगह को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी अभी हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहू जब शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री यहां आए और असम ने युवाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहू को विश्व प्रसिद्ध करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और असम सरकार ने पूरे असम को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी देशों की मेडिकल कैपिटल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। असम की राजकोषीय स्थिति भी सुधरी है। 21-22 में GSDP 4 लाख करोड़ था और 23-24 में 5.50 लाख करोड़ GSDP बढ़ा है। उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिक नीति के तहत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अरुणोदय स्कीम असम का भविष्य बढ़ाने वाली है। कृषि का विकास हो रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, 3000 तालाबों का विकास हो रहा है और असम को अगले 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा काम आज हुआ है, लगभग 85,000 युवाओं को 2 साल के अंदर पारदर्शिता के साथ एक भी पैसा खर्च करे बगैर सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। मित्रों, मैं आज के कार्यक्रम में हेमंत जी, उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी
साथी दलों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को परिवर्तित करने का, आसाम में परिवर्तन करने का मोदी जी का सपना आपने जमीन पर उतारा है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो 44,000 साथी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं अमृत काल के अंदर, आसाम की सेवा करने का आपको ईश्वर ने जो मौका दिया है, इसलिए आपको और आपके परिवार को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।